हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। इसके बाद में अभी टाइम हुआ है 11 और हम लोग चलते हैं करवा चौथ में जो भी प्रिपरेशन होती है शाम के लिए वो स्टार्ट करने। तो आइए चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम दही बड़े की प्रिपरेशन करके रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हैं तो 4 मिर्च ली हैं, हरी मिर्च है और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि लहसुन वगैरह इसमें नहीं डाल सकते हैं। इसलिए पहले इसको पीस लेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर दाल के साथ डाल देते हैं तो फिर ये पिसती नहीं है अच्छे से। इसके बाद में इसमें ही दाल को मिक्स करके अच्छे से पीस लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने पीस ली है। थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स नहीं करना है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर पतली हो जाएगी ना तो फिर दही बड़े उतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो सारी दाल देखिए मैं पीस लेती हूँ और फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए दाल पूरी पीस ली है और इसको ना थोड़ा सा मिक्स करके और 3 से 4 घंटे के लिए रखना होता है। अगर इस तरीके से रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाती है दाल और बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं दही बड़े। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी पूजा की प्रिपरेशन करने के लिए आ गए हैं। मेरे पास चौकी नहीं थी तो इसलिए मैंने इस तरीके का एक डब्बा लिया है। इस पर मैं बिछा के देख रही थी ये चुनरी वगैरह, तो मुझे कम पसंद आई इसलिए मैंने ये कपड़ा लिया। इसको पहले से बिछा दिया है, इसके बाद में इसके ऊपर से चुनरी बिछाऊंगी। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, अगर सुबह ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लो ना तो शाम को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो रहता है ना कि हाँ थोड़ा बहुत तो कर लिया है मैंने, और नहाने के बाद तो प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारा शाम को ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चुनरी भी बिछा दी है और वो जो एक साफ कपड़ा लिया था वो भी बिछा दिया है। इसके बाद में हम लोग ना ये करवा चौथ का जो कैलेंडर होता है या फिर फ़ोटो बहुत से लोग ले लेते हैं, आजकल फ़ोटो भी आने लगी हैं। मुझे यहाँ पे कैलेंडर ही मिला तो मैंने कैलेंडर ही लिया है। तो कैलेंडर को वॉल पे अच्छे से लगा देते हैं टेप की हेल्प से, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा टेप लगा के मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। इसके बाद में बताऊंगी कि और क्या क्या किया है। बस थोड़ी सी प्रिपरेशन थी जो स्टार्टिंग में ही मैंने कर ली थी, मतलब मॉर्निंग में ही कर ली थी, ताकि मुझे थोड़ा सा शाम को रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। इसलिए क्योंकि बाकी भी सारा काम हो जाता है ना, खाने पीने का भी बनता है, पूजा का भी सारा सामान बनता है। अब फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से चावल लिए थे ये कलर्स स्थापित करने के लिए, तो नीचे रखने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए चावल को रखे। इसके बाद में मैंने 2 कलर्स लिए हैं। एक में जल भरा जाएगा जो ऊपर यानी कि चांद को अर्घ देने के लिए लेके जाया जाता है, और दूसरे में हम लोग सामान भरते हैं जो भी बनाते हैं, जैसे पूड़ी है, पुआ है और खीले हैं, इस तरीके की चीज़ें जिसके यहाँ जो होता है वो वैसे करें। ठीक है, तो मेरे यहाँ ऐसा ही होता है इसलिए मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। और ये मैंने बाती लेना मैं भूल गई थी इसलिए घर पर ही बना रही हूँ, रुई रखी हुई थी। तो यहाँ पर बाती बनाने के बाद में इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। बाकी बुक वगैरह एक लाई थी करवा चौथ में, वो पढ़ी जाती है ना स्टोरी, तो जो कैलेंडर में स्टोरी है वो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखी हुई है, इसलिए मैंने सोचा एक बुक ले लेती हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरी सारी तैयारी चल रही है, आप देखिए और बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लग रही है, क्या क्या मैंने जो भी किया है मतलब, तो वो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं
थोड़ी सी थाली की डेकोरेशन करूँगी और जो चलनी होती है उसकी डेकोरेशन, क्योंकि मैंने दूसरी चलनी नहीं ली थी, इसी चलनी में उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए लेस वगैरह लेके आई थी, तो उसको डेकोरेट करूँगी। इस लेस को फ्रेंड्स मैंने सेलो टेप से लगा दिया है और निकली भी नहीं थी, तो देखिए कैसी लग रही है, आप लोग देख के बताइएगा। मैंने ज़्यादा मोटी नहीं ली है, थोड़ी सी पतली ली थी। देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से टाइट मैंने पकड़ के और टेप से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद में मैं ना थोड़ी सी थाली सजाऊंगी, थोड़ा ही सजाएंगे बस, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके आई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या लेके आना है क्या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही उसको डेकोरेट कर दूंगी। एक स्वास्तिक लाई थी लगाने के लिए। स्वास्तिक लगाने के बाद में ना इसमें मैं छोटी छोटी सी कटोरियाँ रखूँगी ताकि उसमें चावल हल्दी ये सब वगैरह रख सकूँ, जो पूजा का सामान होता है ना छोटा छोटा सा, अगर थाली में रखेंगे ना डायरेक्ट तो वो इधर उधर फैल जाता है, इसलिए छोटी कटोरियाँ रख दें तो सामान आराम से रहता है। ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ करने। फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद में ना मैं वहाँ पर घर के लिए भी खाना बनाना होता है ना, क्योंकि हस्बैंड तो खाएंगे बच्चे भी खाएंगे, इसलिए वहाँ पे मैंने उसकी तैयारी की थी। और अभी 2:30 बजा है तब मैं पूजा का सामान बना रही हूँ। यहाँ पे ये जो आटा मैंने लिया हुआ है ये है पूड़ी का, सॉरी ये है पुए का आटा, मैंने आटा लगा के रख दिए थे दोनों, ये पूजा का प्रसाद है जो बनेगा, तो पूड़ी और पुआ दो चीज़ें बनती हैं, तो ये दोनों ही मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि दही बड़े कैसे बनाए मैंने। और इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ना कच्चा जो भी खाना बनता है वो कच्चा बनता है, यानी कि दही बड़े बनते हैं, रोटी बनती है और कढ़ी बनती है और चावल बनते हैं, बस इतना सा सामान बनता है, तो इतना ही बनाने में ऐसा होता है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सामान तो थोड़ा ही होता है लेकिन बनाने में आप अगर अकेले हैं तो टाइम तो उतना ही चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पूड़ी और पुए सेक लूँगी। पूड़ी और पुए मेरे यहाँ साथ साथ चढ़ते हैं, यानी कि दोनों कलर्स पे अलग अलग चढ़ते हैं, साथ इस कलर्स पे और साथ उस कलर्स पे, तो दोनों ही चीज़ें मैंने पूड़ी और पुए दोनों ही साथ साथ बना लिए थे, यानी कि 14-14 दोनों सेक लिए हैं अच्छे से। देखिए कितने अच्छे सेके हैं मेरे पुए। और इसके बाद मैं आपको पूड़ी भी बता दूंगी। पुए के लिए मैंने फ्रेंड्स कुछ भी नहीं किया था ज़्यादा, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इसमें क्या होता है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, सिंपली थोड़ी सी चीनी लेते हैं और उसको पानी में घोल के उसी से आटा मार लेते हैं, बस इसीलिए मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। और अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अगर एक साथ बना के मैं रख देती ना पूड़ी और पुए मतलब बेल के रख देती तो क्या होता है ना अच्छे नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने पहले पुए बेल के इसके बाद सेक लिए थे, इसके बाद में मैंने पूड़ियाँ बेल के रखी हैं और उसको भी सेक लूँगी। इसके बाद में हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके बाद में हम लोग जाएंगे अपनी जो पहले प्रिपरेशन करके रखी थी दही बड़े की, वो बनाएंगे जाके, क्योंकि पूजा का सामान तो हो गया ना, हमारी पुए और पूड़ियाँ बनती हैं जो बन गई हैं। फ्रेंड्स क्या है ना ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एक्चुअली पूजा का भी दिखाना है और रेसिपी भी, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई। देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही थी ना। अब यहाँ पर मैं दही लिया हुआ है, दही क्या 2 पैकेट मट्ठे मंगवाए थे वो लिए हुए हैं, और यहाँ पर मैं सारा सामान डाली हूँ। मैंने क्या डाला है आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने पहले तो नमक डाला है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जीरा और काली मिर्च का पाउडर पीस कर जो रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर तड़का पैन लेके थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी। आपके पास में अगर करी पत्ता हो और लाल मिर्च हो खड़ी वाली तो आप डाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी जो हमारी दाल है ना उसमें थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा डाल रखी है ना, इसलिए इसमें नहीं डाली है। बाकी रेड मिर्च आप चाहें तो देखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगती है ना, तो ऊपर से डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या क्या डाला है, यहाँ पर भी मैंने
थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा का जो पाउडर था वो मिक्स किया है और नमक ऐड किया है। बाकी तो मैंने सारा सब कुछ इसमें पहले ही ऐड कर दिया था। इसको फ्रेंड्स जब बनाने से पहले ना थोड़ा अच्छे से फेटेंगे, यानी कि मिक्स अच्छे से कर लेंगे 5 मिनट तक, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लफी तो हो जाएगी लेकिन फिर भी फेटने से ना थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद में जो हमारे दही बड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा फ्रेंड्स। मैं इसकी रेसिपी पूरी किसी और व्लॉग में भी बना दूँगी, बट इस टाइम पे मुझे जैसे हुआ वैसा ही मैंने बना के आपको बस प्रेजेंट करना था आपके सामने, तो उसी तरीके से मैंने बना दिया है। बाकी बिल्कुल डिटेल से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बना के ज़रूर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने दही बड़े जो होते हैं ना वो डायरेक्टली नहीं डालते हैं, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है ना दही बड़ा, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए, बस इतना टाइम हम इसको निकालने के बाद में इसके बाद में हम लोग दही में डालेंगे। दही में डालने के बाद में एक बार अच्छे से इसको चला भी देंगे चमचे की हेल्प से, ताकि अच्छे से इसमें दही भी भर जाए। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोगों ने डाले थे वो भी निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में 1 से 2 मिनट बाद इसको भी उसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए मेरे दही बड़े भी तैयार हो गए हैं। आप इसमें डेकोरेशन में जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि धनिया वगैरह डालते हैं ना लोग। तो यहाँ पर मेरे दही बड़े बनके तैयार हो गए थे और शाम भी काफ़ी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से तैयार हो गई, क्योंकि टाइम थोड़ा सा पूजा का ना इस बार थोड़ा जल्दी था, यानी कि ऐसे ही 5:30 से 6:30 का टाइम था लगभग, यही टाइम था। तो इसलिए मैंने तैयार होने का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं खाने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन की, एक्चुअली बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा उसको संभाल लिया, लेकिन फिर भी बच्चे तो माँ के पास में ज़्यादा रहते हैं ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा ये मम्मा वो, इसलिए मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। तो यहाँ पे पूजा करने में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो देखिए अब यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद में सारा सामान जो होता है ना वो मैंने सेट कर लिया है, पूड़ी और पुए वगैरह जो भी बनाए थे भगवान जी के लिए करवा माता के लिए वो मैंने वहीं पर रख दिए हैं, क्योंकि वहीं पर रखे ही जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी जगह मैंने कैमरा रख दिया था कि कुछ भी नहीं आया है कैमरे में, पूजा मैंने जो भी की है तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है थोड़ी बहुत भी जो करनी थी अभी फ़िलहाल में। इसके बाद में अब आरती वगैरह करने के बाद में कथा पढ़ रही हूँ, और जब मैं कथा पढ़ने बैठी ना उससे पहले इन्होंने देखा, कैमरा चेक किया एक बार कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो देखा तो फोटो तो आ ही नहीं रही थी, मतलब कुछ भी उसमें सूट नहीं हुआ, सिर्फ बैक का ही सूट हुआ है। इसके बाद में इन्होंने जब सेट किया है तो ये फ्रंट का थोड़ा सा आया है पोर्शन। यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ, और पढ़ने के बाद में जो मेरी बच्ची है वो देखिए कितने अच्छे से देख रही है, क्योंकि उसको लग रहा है ना मम्मा कोई स्टोरी सुना रही हैं, इसलिए वो आराम से बैठ गई है। और जो प्रसाद मैंने रखा हुआ है ना उसमें बोल रही है मम्मा मुझे ये खाना है वो खाना है, मैं खा लूँ क्या इस तरीके से। तो बच्चे बड़ा परेशान करते हैं ना जब कुछ भी होता है घर में, लेकिन फ्रेंड्स बच्चे ना परेशान तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर वो घर में नहीं होते हैं ना तब हम लोगों को उनकी कमी फील होती है कि उनका कितना बड़ा रोल होता है, बहुत याद आती है मतलब। तो यहाँ पर मैंने आरती की हुई है, आरती करने के बाद में जो भी पूजा का सामान था थोड़ा बहुत, और जैसे मिठाई वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी चढ़ाने के लिए थे बाद में, वो चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिया है। तो आप लोगों को थोड़ा ये बहुत समझ में आ रहा होगा, बट यहाँ पर मेरी पूजा थोड़ी सी लेंथी हो गई है, सबकी हो जाती है करवा में, इतना ज़्यादा सामान होता है, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन होती है, तो सबकी
पूजा ये होती है ना, तो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा करे तो ना फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने किस तरीके से मैंने फ़ोटो ली है और वीडियो बना लिया है, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके बाद में हम लोग छत पर गए थे और वहाँ का ना जो भी था इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी सूट नहीं हो पाया, और चंद्रमा भी इतना दूर था, दूर तो होता ही है पर वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, यानी कि थोड़ा सा रेडनेस थी उसमें, तो चंद्रमा भी अच्छे से नहीं आया है। तो वहाँ की पूजा होने के बाद में हम नीचे आ गए। नीचे भी करवा बदला जाता है क्योंकि मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ, इसलिए जो गौर माता होती हैं ना उनसे पूजा की जाती है उनकी पहले, इसके बाद में उनसे करवा चेंज किया जाता है 7 बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो व्लॉग है वो बस अब एंड ही करने वाली हूँ क्योंकि पूजा हो गई है, अब हस्बैंड की पूजा जो होती है वो भी कर दूँगी। और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था, मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो ये सोचती थी कि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें करना ही क्या होता है, बस कैमरा ऑन करके रख दो और बस हो जाती है। बट फ्रेंड्स, जब से मैंने स्टार्ट किया है ना तब से मुझे मालूम हुआ है कि हाँ कितना ज़्यादा इसमें टाइम लगता है वीडियो बनाने में, फिर उसको कट करने में, शूट करने में, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटे छोटे जो मोमेंट्स थे ना वो भी कैप्चर किए हुए हैं, तो वो भी मैंने फ़ोटोज पिक्स सारी डाली हुई हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, बट आज का व्लॉग यहीं करते हैं स्टॉप। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। Thank you.